चूहे भरपूर मैंने खा रहे थे मेरे जिस्म अच्छा चूहे। हाँ जी डेडे बड्डे। अगर अली को यहाँ पकड़ा गया तो मैंने अपने आप को मार लिया। आपने तीसरा बच्चा मेरे पेट में डंडों के साथ मार के मुझे खूनो खून कर दिया। खाने पीने का कोई मेरे पास सामान नहीं है, कोई भी नहीं है। उसने जुल्मों की अकीर हो गई है मेरे पे। अब मैं माँ भी नहीं बन सकती। घर ची देखो रक्षी वाला सुना करके कर चला गया, पैसे भी ले गया। चीज आजकल कौन बड़ी से कोई नहीं सुन कुछ मैं कीता है। हाथ की पैर भी पड़े नहीं तो मेरा अल्लाह। पता नहीं हर बारी रब मैंने चुकदा क्यों नहीं। मैं रब नु कहनी कि अल्लाह पाऊंगे को रहना कि मैंने चुक चार बंदे मैंने जनाह करन लग गए। ऐसोटा भी नरबंस पड़े यार रोज इन्हें अंदर को जाना जाया करांगा मिल मुल के सेक्स करके जो मुफ्त दी खीर लगी। मैं मेरे अंदर ना कोई दिल है ना कोई दर्द है ना ही मेरी ब्लीडिंग मेरा बच्चा मारता। हाँ नो मैं जब तैयार होती हूँ उनसे अलग दिखती हूँ, पूरे ड्रामे में अलग होती हूँ और पूरे फैंस वाजे लगाते हैं मेरी सोनम शहजादी सोनम शहजादी। फिर ऐसी सिचुएशन है कि मेरी दवाइयां मलाइया ने वो बच्चे ने मार उन्होंने कहा उल्टी करेगी तो बचेगी। व्यूअर्स वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अली उदो नाल होंदा सी, अली सुट के गया सी मैंने फ्लैट ते कत्ल करके। अल्लाह लो मैं बची हुई सब कुछ लै गया ना मेरा बेड फ्रिज ये वो बेचता। इन्हें कहा मेरे ते कर्जा है। मैं हूं मजाजी खुदा समझ के मेहनत यकीन किया काला इलम भी भरपूर करा देने। अच्छा मां भी मेरे रबते च सी भैन भी रबते च सन। तद जो आपका शोहर है अली आया अली जो मैं अपना फोन चेक किया तो सारे नंबर भी डिलीट। अच्छा मैं क्या तू पैसे भी नहीं मेरी चीजा लेंदा तो चीजा भी बेची जाना। फिर रह गई सी मैं नक्श नथली एक मैंने कहना मैंने भुख लगी मेरे ते। मैं क्या तू तेरा कम बनता है कमा के लियाना उदो मैंने हमल ठहरिया। फिर ऐसी सिचुएशन है मेरी दवाइया मलाइया ने वो बच्चे ने मार उन्होंने कहा उल्टी करेगी तो बचेगी नहीं उल्टी कर दी तो बच्चा मर। ऐसी सिचुएशन आनी या बुढ़ी बचेगी या बच्चा बचेगा। कहना मैं हसबेंड मेरी बुढ़ी बचनी ऐ तो गल चलो समझ आ गई। वह बच्चा भी गया दूसरा हो गया मेरा। उस तो बाद फिर तीसरा बच्चा मैंने हमल ठहर गया। मैंने कहना घर तो खाली हो गया फ्लैट ते ना अपने मार के सुट के चला गया। फिर माँ ने फोन किया नाल दी ने सोनम तीन दिन तो ना उनका कोई अता है ना ही उनका कोई पता है ना ही आंदी जाती। फिर तो लाइट भी बंद ते अंदर कुछ हैगा भी नहीं उनके कोल। चूहे भरपूर मैं खा रहे सन मेरे जिसम नू। अच्छा चूहे हाँ जी एडे एडे बड़े मैं खाने पे सन मुझे काटा इन मतलब के जैसे खाते हैं। बड़े बड़े चूहे थे छोटे मोटे चूहे नहीं कमरे में बेहोश थी। क्लीन बिछा हुआ था क्लीन पे लेटी थी सारा सामान ले गया था अली। फ्रिज मेरी पूरा फ्लैट है अब टिकटॉक पे निकाल के देखे माशाल्लाह तीन कमरे थे अंदर और पड़ेलो कतल करके सुट गया। ठीक है उदो फिर जो उन्होंने पता लगा कि मैं बच गई तो मैं फोन किया मैं तेन नहीं हम छा जो मर्जी हो जाए ता वापस आया। फिर मेरे को और सारे घर का सामान भी ले गया मेरा गोल्ड तक बेच गया। आज मैं आर्टिफिशियल पहना भाई इस वजह से कि सुराख ना बंद हो वरना आप देख रहे होंगे मैंने कितने कितने मेरा टिकटॉक खोल के देखे मैं जुड़ने की बहुत शौकीन हूँ। फिर मोहल्ले में मैंने चीख भी मारती थी कि अली जवाब दे मुझे कुछ वापस नहीं चाहिए मुझे जवाब दे दे तू जिंदा भी है कि नहीं तुम लोग किधर हो तुम मुझे अपना घर ही बता दो मैं आ जाती हूँ। वो अपने ट्रेंडिंग में ट्रेंड में थे उनका ट्रेंड पूरा हो गया हुआ था। उसने कहा चलो जी रोज इन्हें को जाना जाया करांगा मिल मुल के सेक्स करके जो मुफ्त दी खीर लभी। मैं तो पागल हुई सा अन्नी हुई सा मजाजी खुदा दे पीछे अपने इश्क दे पीछे उनके बगैर मैं सोंदी नहीं सा मेरे सह नहीं आंदा सी। सारी रात सिर्फ मेरे को रहना उन्हें उस टाइम फोन भी नहीं अपना बंद रखना ते उस तो बाद की कहंदे ने उस बंदे ने सुबह 6 बजे निकल जाना। ये जो आपने शादी की ये रियल शादी थी? हां जी अली के साथ बिलाल के साथ और अली के साथ बिलाल नामी से मैंने पहले शादी की। अम्मी ने भी बोला कि ये उसकी एज भी काफी है शराब पीता था मैंने उसकी शराब हाँ बिलाल तो काम करना बंद हो गया मेरा। उसके बाद मैंने उसको कहा कि बिलाल तूने मेरे से गलत किया तो तुम्हें सर ना अम्मी ने कहा कि अम्मी ने बुलाया उसको बिलाल को घर तो इनका आपस में फैसला हुआ। जी ने कहा 7 दिन तो मैं फैसला यूज कर रहा सी कादर और फैसला। अच्छा यूज कर रहा सी मेरे को फिर अस्तानी से होटल च रख के कोहिनूर लक्ष्मी चौक। अच्छा मेरा डेली उन्हें मैंने मैंसिस च भी नहीं छड़ी उन्हें मैंने मैंसिस च भी नहीं छड़िया मेरी मजबूरी का फायदा चुकया। कादर ने मेरे कलमा पढ़ के ठीक है ठीक है कि विरसा थिएटर के अंदर कादर ने दिने कर लिया मैंने वापस यूज किया कोहिनूर होटल छोड़ जाने और खुसरा आपसी तो भैन चो मेरे मुंह ते चपेड़ा मारे मेरे मुंह ना ज्यादा दुनिया विच सिर्फ पैसा यूज कट पुतली मेरे अंदर ना कोई दिल है ना कोई दर्द है ना ही मेरी ब्लीडिंग मेरा बच्चा मारता आग करके मोहल्ले च पा के पहले अंदर मार दे रहे कल्ले नु अंदर मार दे रहे जदों मैं कपड़े चेंज करन जानी सा मैनू हर वारी मार पैसे मेरे को होंदे सन उदो सही ते पैसे जदों होंदे सन लग जांदे सी पूरा मोहल्ला कहंदा सी कि धीए तू बार बार क्यों इत्थे आनी आनी खुश जानी रोंदी हुई कुट खा के
आखरी कुट की सी कि इन्होंने ड्रामा ने प्लानिंग बनाई लिंग विच शामिल ते विच इन्होंने कढ़िया मैनू ते दरोग वायो एक कमरे वास्ते मैनू ब्लीडिंग हो रही चार बंदे मेरे उत्ते पै गए चार बंदे मेरे जनाह करन लग गए ए सोटा भी ना रंस पड़े मर गई है अल्लाह पता नहीं हर वारी रब मैं चुकता क्यों नहीं मैं रब नी गांगी मैं चुक मैं कोई गलत काम नहीं किया दुनिया च मैं पता मेरा रब मेरे तो मुतमीन है मैं आप मरना चाहनी हूँ ठीक है मैनू मारते भी नहीं सी मैं लक्ष्य भाग मेरे गन तक कितने रखता रहा दिमाग च मैं उनके पैर फड़े अपने प्यो वास्ते जिद इक ने मुंह बाहर सुटता भी मार दिया मेरे नु करंट भी लगे मेरे दिमाग च क्या सब कुछ भूल जाए अस्करी टैन भी इन याद ना रहे वह फार्म हाउस भी इन याद ना रहे इन्हू कुछ भी ना शेख रशीद का मरदा कुछ लगता सीधी गल ठीक है ते हर पिंडी वाला है ही जिन्ना सियासत वाला शेख रशीद का कोई मसला नहीं है यही कुड़िया वेचता मलक शबाज इथे धंधा करता कमरा एक ही सजा होया जाके तुसी वेख सकदे अज कल कौन बैठी कोई नहीं सारा कुछ मैं कीता हाथ की पैर भी बड़े ने लोक मेरा गलत ना हो मैं अपने जिस्म नूं बचांदी 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 अज मैं अपना ए फैसला कीता कि कल मैं अपना मुंह खत्म कर लेना मेरा इस दुनिया च कोई नहीं मैडम खत्म करना तो कोई इलाज नहीं मैं थक गई ना मैंने सुना हो रहा इस घर च वेखो रक्षे वाला सुना करके घर चला गया पैसे भी लै गया हर चीज भी लै गया इस घर का मैं दो डिवास दिते किराया दिता उस मलक शबाज बंदिया मैं मेरे को घर नहीं है मैंने एक बंदे का घर लाभ दे तेरी मेहरबानी साफ सुथरे एरिया हो मैं ड्रामे ते भी चढ़ गई सा ठीक है अल्लाह लो अपना चौधरी थिएटर चौधरी थिएटर चुपे वाले डंडा उधर महक नूर सी फैसल च मेरी भैन सनम खान सी चौधरी थिएटर च मैं सा कोई पब्लिक के मुंह तो शिकंद नहीं है कि दूजी कुड़ी को मैं दो गाने ऐसे किए इंट्री ऐसी भरपूर की खुश होते पब्लिक भी सोनम आपके साथ इतने जुल्म इतने सितम सारी जिंदगी होते रहे मैं औरतों की पुलिस में भी गई वही बताने लगी औरतों की पुलिस में भी गई किसी ने समझा कोई कह रहा साइको पागल है नहीं सुननी मैं बह के आई अब तो जो सूबे की वजीर आला है वो भी खातून है आपने आप अपनी फरियाद लेकर उनके पास गई है मुझे नहीं पता क्या कहेंगे मुझे कहते आप सीसीपी हो मरियम नवाज से मैं यही अपील करूंगी वो भी एक औरत है मैं भी एक औरत हूँ और मैंने आज आपको सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं गलत काम नहीं करती मैंने अपना जिस्म नहीं बेचा फील्ड में मुझे जीने नहीं दे रहे मोहल्ले में मुझे जीने नहीं दे रहे और इस घर में जिधर बैठी हूँ इधर भी मुझे सुकून का सांस नहीं लेने दे रहे खाने पीने का कोई मेरे पास सामान नहीं है कोई भी नहीं है और दुनिया मेरा तमाशा बना रही है उससे बेहतर है कि मुझे सरेआम मार दिया जाए दुनिया के बस मैं जुल्मों की हकीर हो गई है मेरे पे अब मैं माँ भी नहीं बन सकती मेरी जिंदगी उजड़ गई तीसरा बच्चा मेरे पेट में डंडों के साथ मार के मुझे खूनो खून कर दिया मेरी बहन सनम ने फ्रंट लेटर से निकलवाने के लिए चूड़े के साथ सो गई इसको निकालो मुझे रखो मैं खूनो खून अपनी इज्जत बचाने के लिए जो मैंने बनाई थिएटर में फ्रंट लेटर पहुंच गई मेडिकल नहीं मैंने अपना करवाया उन्हें दिया क्योंकि वो मेडिकल के बाहर पुलिस वाले कह रहे थे कि मैंने इसको तेरे बाप को बहन को पकड़ के अंदर करना है मैंने कहा नहीं ये पर्चा मुझे वापस कर दे गाजियाबाद की ठंडी थाने के बाहर मैंने कहा मेरा ये कसूर है ना मैंने इनका एहसास किया मैंने इनके लिए सब कुछ जी हूं अब मैं इनको मैंने अबू का साइड से कॉर्नर पकड़ा टांग पे टांग रख के अबू बैठे है तो मुझे कहते तेरे गश्ती है दस नकान देते है मेरे ते ही केस मैं क्या मुखाओ जो केस बनाया सारी जिंदगी मैं कमाया तो कमाया अपना कुछ नहीं बनाया बनाया होंगे तो अज मेरे को रोटी के पैसे ना दसो हूं मैं किसी अगर कमा ना हेल्प दा तो पहला की कहें सोनम खान यंग लड़की एवं ड्रामे कर फोन करा ते दो ड्रामे जो किया मुस्तफा का हूं मैं कह के कि थक गई पैर पड़े कि मैं किसी को उधार लैके एड्रेस इन्हें च पिया होया है उन्हें मैं पैसे उनकी बुढ़ी की डिलीवरी आ तेरी मेहरबानी मेरी अगर मेरा मसला होता तो मैं कर लेंदी ना विरसा ली पेमेंट मिली मैं डबल डबल शो लगे डबल डबल हफ्ते वाले दिन शो डबल नहीं होता तेरे दिन भी मलक तारक ने दो दो शो कराए मैं पेमेंट लैन गई हूँ को मलक तारक को मैंने कहना मैं तो तेरी जरूरत नहीं सलाम तो बड़ी दूर दिखा मैं खान दे पैसे नहीं दिते रोटी दे मैं ड्रामा करके हटी हूं तो मैं भूख लगी मैं कुछ कार मंगवाना मेरे को पैसे नहीं है कहते थे ओह बगैरत बंदा दे कर तिया ने मैं कहनी कल मैं पढ़ के उस बंदे ने मैं राज शरीफ दी रात मैनू कहा कि मैं तेरे ना बुरा करा तो अपनी बेटी के बारे बुरा सोचा मैं क्यों इस हद तक पहुंची उनके कलमा चुकवान तक क्योंकि मैं दुनिया की हर ठोकर हर जुलम हर गल कोई ऐसा जुलम नहीं जड़ी मैं नहीं फकीर हो गई जी हूँ इस जिंदगी च मेरा जीन दिल ही नहीं करता मां मैं नहीं बन सकती
अली साहब ऐसा दरिंदा उनका नहीं रात 10 बजे तो भर गया है दिन दे टाइम बकैरत का बच्चा सिर्फ मैंने मैसेज कर दिया 3 मैसेज रटे ने मिलो मुझे पानी पिलाओ मुझे पानी का क्या गंदा पानी डिस्चार्ज होता और लारी अड्डा नहीं जो गंदे ठंडे जाते गश्तियां भी नहीं जाती उधर भी ये बंदा तना करके फेंक के चला गया। फिर उसके बाद जो होटल का मालिक वो मेरे पे गंदा हो गया। मैं कहा मैं ये काम नहीं करती वो मेरा हस्बैंड है। कहना हस्बैंड केड़ा हस्बैंड है वजह होता जेड़ा ए वजह गंदे होटल चे गश्तियां दी तू इत्थे किवें आ गई। अब मैडम आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि अली की फैमिली पकड़ी जाए और इनको मुझे मेरा इंसाफ दिलाया जाए। अगर अली को यहाँ पकड़ा गया तो मैंने अपने आप को मार लिया। आपने अपनी दरख्वास्त दी उसके खिलाफ? सब जगह गई हूँ हर जगह वही बता रही हूँ मुंतसिब ये जो एक्टर है वो दरख्वास्त जो आपने उनके खिलाफ मेरे पास वो ना जो कागज वगैरह कुछ भी सारा कुछ छीना गया निकाहनामा पड़ा हुआ मेरे घर और एक फरीद जो है उसने मुझे मारने की कोशिश की बारी बारी पहले अबू ने इधर पंचोस के मर जाइए गिल्टी फट जाए। बहन ने भी मारने की कोशिश की जिंदा बंदे को फट्टे पे सुलाया गया। मैंने कहा मेरे पास जगह नहीं है सोने की मैं सो जाऊं कहते चल जाओ उत्ते चल जाओ। अब किसके खिलाफ कार्रवाई करवाने? मैं वही तो सोच पड़ी मैं किस किसके खिलाफ कराऊ और रहेगी इस घर की बात। इस घर में मुझे रिक्शे वाला वो जो लगा हुआ था मेरी एज देखो 60 साल उसकी एज सीधी बात मैं करती हूँ। इज्जत के लिए लगाया हुआ था या आप उससे पैसे खा रही थी? नहीं मैं नहीं करती वो तो कमाता ही नहीं था मैंने उससे क्या खाना। हाँ मैं नहीं देना खाने पीने के पैसे जब वो रहना ही ना मेरे को। उस तो बाद उस बंदे ने मैंने यूज किया था 3 दफा ऐसे कमरे च यूज किया। मैं यही चाहनी की मैंने मार दिता जाए दुनिया नहीं जीन दे। 3 दफा मैंने ये देखे नब्जे काटी कि मैं मर जाऊं क्या करूं थक गई पर मां नहीं मैं बन सकती शादी में किसी से कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरा दिल ही उसकी उसके तरफ था। सबकी आपके साथ दुश्मनी क्या थी या आपका मैं इनसे बात बताती हूँ। मैं इनसे टीनेजर हूं मेरा डांस भी है इनके जो फैन होते हैं जेलस है वो जेलसी है और मेरा टैलेंट अलग है और जो मैं ऊपर से यंग लड़की हूँ जो मैं तैयार होती हूँ अपनी पाल के देख ले आपको खुद पता चल जाएगा मेरे में लादगी है। और इनके जो यार होते हैं सीटें लगती हैं पक्के। अब मेरा क्या कसूर है अगले दिन मेरी सीटें लगा रहे थे इनके जिस्म लटके हुए हैं। अच्छा मैडम आपके साथ इन सारे अदाकारों का और प्रोड्यूसर्स का झगड़ा किस बात पे होता है? क्या बैर है आपको या आप में कोई प्रॉब्लम है? प्रोड्यूसर जो इतने ज्यादा ना वो मेरे घर में आके भी मुझे अजमाते रहे। अच्छा पहले खुसरी का इल्जाम लगा इंटरव्यू भी बने हुए हैं मुझे कहते हैं खुसरी होगी इसलिए नहीं मिलती होगी। फिर जब पता लगा शादी हुई बच्चे वाली फिर इन्होंने कह दिया कि आप लेस्बियन। फिर अब क्या इल्जाम लगाया आप फिंगर वर्क करती हैं और पूरे अदाकारें जो हैं उनकी आपके साथ क्या लड़ाई है? उनकी लड़ाई कि आप जिस जगह गई अब हर अदाकारा से आपकी लड़ाई रही। पायल चौधरी है फरोजा है रूप जाट है आफरीन है ये क्यों आपसे इनकी लड़ाइयां हैं? कोई उनमें प्रॉब्लम है या कोई आप में प्रॉब्लम है? सर मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं अल्लाह हरफन मौला मुझे हर काम आता है। इनकी वीडियोस भी वायरल है एक आफरीन की वीडियो मेरे पास पड़ी हुई मैं आपको सेंड करूंगी जो सबके पास है मेरे पास नहीं अंडरवर्ल्ड के पास है। उसमें देखिएगा मास्क कितना लटक रहा है उसका सगा भाई उसकी वीडियो बना रहा है। अच्छा। और ये आफरीन दूसरी भी आई है वो भी सबकी मैं आपको वीडियो सेंड करती हूँ और मुझे देखना मैं पैड्स लगाती हैं ठीक है पैड लगाती हैं ये पैड लगाती हैं मैं डांस करती हूँ छलांगे मार मार के मतलब मुझे तो पता तो मैंने कुछ नहीं पहना मैंने ड्रेस ही पहना हुआ मेरा कहना कुछ हिल जाना हो जोड़ा तो रह गई नच सकदिया नहीं तो मतलब वो एजड है 40 से अब पायल चौधरी को खुद देख ले अखबार में आपने देखा ना मुझे उसके सामने उसकी फट गई थी जब उसने देखा अखबार में ये कैसे उसने कहा भाई उनकी पब्लिक डिमांड बड़ी हर पास हर थिएटर अल्हम्दुलिल्लाह हां मैं जब तैयार होती हूँ उनसे अलग दिखती हूँ पूरे ड्रामे में अलग होती हूँ और पूरे फैंस वाजे लगाते हैं मेरी सोनम शहजादी तो वो वीडियोस भी मैंने आपको सेंड कर दूंगी मैं। और ये लड़कियां क्या करती हैं कि सोनम कढ़ो सोनम होएगी तेनू ये जेलसी है उनके खुद के मांस लटके हुए हैं मुंह दरवाओ शीजा भट्ट का फरोजा का सैमा का ये जो आफरीन है इनके बच्चे हैं इनका सब कुछ है ठीक है इनके जिस्म इतने गंदे इनको सादा देखो तो लोग पहचानते ही नहीं। अच्छा। लोग पहचानते ही नहीं आफरीन परी देख लो वो जो परी बनी हुई थी परी चेहरा ये प्रोड्यूसर के नाम पे जो नहीं लिखी थी ये भी ऐसे होता है कि जब वो जिस बिस्तर गर्म करके आती ना प्रोड्यूसर का तो प्रोड्यूसर ने कह दी मेरा नाम प्रोड्यूसर से तू लिखना मैंने अपनी डेट भी लगवाई ठीक है पैसे लगवाई गुजरात ठीक है और ये जोन जोन से प्रोड्यूसर गलत नहीं है उनका भी मुझे पता और बाकी अंडरवर्ल्ड जितने प्रोड्यूसर है ना सबका मुझे उनके मेरे पास
फिल्में भी हैं, वीडियोस भी हैं, लेकिन अच्छा, अंडरवर्ल्ड से भी आपका तल्लुक है? हाँ जी है, मैंने काम करने जाती हूँ, मैं एक फेमस एक्ट्रेस हूँ, मेरा एक नाम। अच्छा, अंडरवर्ल्ड भी आप पर हाथ रखता है? हाँ जी, अंडरवर्ल्ड दुबई युगंडा भी मेरी डिमांड आई है। मेरे पासपोर्ट नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, कोई कागज नहीं है, और मैं जाती हूँ अस्पताल में भी जाती हूँ, मेरा ट्रीटमेंट नहीं देते, मर रही होती हूँ कि पता नहीं मैं आज अपने आप को शायद मारी, बस थक गई। बहुत शुक्रिया मैडम। मैडम अपने आप को मारना तो कोई हल नहीं है। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद मुझे धमकियां दे रहे हैं। स्टेज की अदाकारा जवान है, खूबसूरत है। एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि मुझे कत्ल नहीं होना, मुझे ना ये धमकियां दे रहे हैं, तुझे नहीं। अच्छा, आप धमकियां भी दे रहे हैं? हाँ जी, इधर माला मकान भी नहीं बैठने दे रहा। इमरान आया अस्पताल में मुझे जहर का टीका लगाने। इस बंदे को मैंने, हाँ जी, इमरान उनका दोस्त है, जिस टाइम गज्जू मत्ते में पहले खान आजम का असिस्टेंट होता था, और जो मुझे 6 सालों से उसके पास मेरा नंबर तक नहीं, वो कैसे अस्पताल आ गए। मैं सच्चाई दुनिया को बता के जाऊंगी कि मेरा कोई कसूर नहीं। अपनी दास्तान सुनाई, उनका कहना था कि मुझे कत्ल की धमकियां दी जा रही है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं कत्ल नहीं होना चाहती। आज मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद चाहे कोई मुझे मार दे, लेकिन आज मैंने सबको नंगा कर दिया है। नाज़रीन इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।